धक्का देंगे भाई, लिया जाओगे वापस तो बंदा आ जाता है, चलने का मसला है। ये हम अंदर साइड में एंटर हो गए और ये ऊपर ये जो है ये इनके पुराने गौतम बुद्ध। हाँ ये साइड बनी हुई, साइड बनी हुई है, अंदर जा रहे हैं अभी हम। बन रही है हेरिटेज साइट पर आए हैं ये बुद्धिस्ट रिमेन्स, यहाँ पर हम जा रहे हैं। ग्रीनरी ग्रीनरी है, पहाड़ यहाँ से अब चढ़ना शुरू हो गए हम। ओहो ये सीढ़ियाँ ये रमजान से पूछेंगे, रमजान बुद्धिस्ट से। अच्छा ये और भी और आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, व्हाई नॉट विजिट अनदर साइट्स नियर बाय। अजीज ढेरी 60 किलोमीटर्स अवे, जमालगढ़ी 75 किलोमीटर्स अवे है यहाँ से, हंट म्यूजियम 90 किलोमीटर्स अवे, अशोका रॉक एडिक्ट 44 किलोमीटर्स अवे। ये सारी साइट्स इंशाल्लाह पर नेक्स्ट ट्रिप ही वुडन बी, नेक्स्ट ट्रिप में हम इनको विजिट करेंगे। कैसी है साइट जवाद भाई? साइट प्यारी साइट है, कराची से लोग अपनों में ईद मनाने। ये भी कुछ लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं आप। अच्छा ये अब हम पहाड़ चढ़ते जा रहे हैं ना, स्टेप वाइज पहाड़ चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ाइयां हैं जी। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, रमजान खान तो ऐसे घोड़ा दौड़ाते हुए गुजरते थे अपना। अपना मंगोल खान तो। मतलब एक दफा सुबह चढ़े शाम चढ़े तो मतलब बंदा पतला हो सकता है आराम से ये सीढ़ियां चढ़ के। नहीं नहीं तो शक नहीं, सख्त हैं जवाद भाई। कोई शक नहीं, ओ खैर भाई चढ़ाई है, चढ़ाई है भाई नहीं है। हाँ एक नॉर्मल नॉर्मल उस पर चले हैं, फिर ठीक है आगे चलते हैं देखते हैं। यहाँ से जी सीढ़ियाँ ऊपर, फिर ये क्या नाम था इनका, फॉलोड बाय मामूर। हाँ मामूर, मामूर भाई जा रहे हैं पीछे, कामरान भाई, इरफान भाई, पापा सबसे आखिर में, मैं सबको कवर कर रहा हूँ, जवाद भाई। ये देखें जी जो भी सबके लगे हुए, पहले तो ऊपर चलते हैं फिर देखते हैं इनको। जोर से बोलना, हम लोग दर्रा सवात, उसके बराबर सवात म्यूजियम, सवात म्यूजियम उसके बराबर, फिर सैदू सैदू स्तूपा सवात, महमूद गजनवी मॉस्क, बजीरा बालाकोट, जमालगढ़ी, अशोका रॉक, तख्त भाई, ये सारा है जी। पा, खैबर पास, जमरूद फोर्ट पर और जा रहा है रास्ता। ये उस पहाड़ पे तो नहीं जाना हमने कहीं, वो जो सामने जा रहे हैं उस पहाड़ पे तो नहीं जाना हमने कहीं, उस पे नहीं जा रहे, उसका रास्ते ने फिलहाल बंद किया। अच्छा सही सही है, वो भी ऐसा ही है, ऐसा ही है, उस पे भी काम लगा। अच्छा अच्छा ये यहाँ से अभी हम आ रहे हैं ऊपर और ये खंडरात आते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता।
और ऊपर की तरफ जाने का सफर शुरू है हमारा। तो गाड़ी के पास खड़े, ये आप देखे ना, ये पत्थर के बने हुए। देखे थे उन्होंने जब इधर लोग रहते थे। ये दिख रहा है जी, कमरान भाई अंदाजा नहीं कितने साल पुराने, अच्छा है ना, कब है कह रहे हैं 600 साल, ये नहीं 600 है प्रोबेबली, एडी है। अच्छा मैं जब के भी हैं यार, पुराने हैं बस, ठीक है। देखो ना सारे पत्थर का अभी कुछ काम हो रहा है, और ये आप देखें वो ऊपर तक बने हुए, ये सारे स्कैटर्ड है फैले हुए, वो भी ऊपर टॉप पर है जहाँ लोग गए हुए, जरा ये चीज है, पहाड़ों की चोटियों पर रहते थे ये लोग। और ये आप देखो ना पत्थर कैसे रखे हैं, प्लेन करके फुल, हाँ साइज वाइज उनको रखा गया है पत्थरों को, कि कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है, अगर ये टेढ़ा है तो दूसरा उसकी जगह ऊंचा रखा है। और इस तरफ ये आप देखो, ये जो दीवार में जगह बनी हुई है, यहाँ पे ये अपना कोई चिराग लालटेन इस टाइप की चीज रखा करते थे रोशनी के लिए, ऐसे ही है बिल्कुल सही। इसको ताक कहा जाता है, ये जगह जगह बने हुए हैं। मॉडर्न उसमें नीचे कह सकते हैं, जो आप एक वो आर्किटेक्चर उसमें वो जो बना रहे, ये देखो ना आप ये जगह जगह रोशनी के लिए, ये उनके कमरे हैं। इसमें रोशनी का सिस्टम भी बड़ा जबरदस्त है, वहाँ से रोशनी आया करती थी। जी जी जी, ये कवर्ड थे ना इसके ऊपर छत की। अच्छा अच्छा, रोशनी के लिए ये बात कर रहा हूँ, ये हाँ बिल्कुल ये बनाते थे, ये कुछ रखने रखाने के लिए, ये ताक वगैरह, हाँ रखने के लिए, और ऐसे ये कुछ होगा सिस्टम, ये है एक जैसे चिराग जला के रख दिया, ये रोशनी हो रात में। ये कुछ लिखा हुआ भी है ना, ये 1947 में यहाँ पे जो काम हुआ है, तो ये उन लोगों ने अपना वो लगाया था, हाँ चिप वर्क, चिप वर्क, हाँ जो रिपेयर वर्क हुआ है 1947 में। ये हैं जी खंडरात सारे पुराने, पता नहीं मुख्तलिफ इनके एरियाज हैं, कुछ कैसे है, कोई कुछ जगह किस तरह बनी हुई हैं, मेरे ख्याल में ये कोई शेल्फ वगैरह बनाए हुए हैं इन्होंने, इस तरफ भी हैं वो देखते हैं, पहले लेफ्ट साइड पर चलते हैं, ये भी कोई जगह है, कोई बैठने बिठाने की है शायद, ये कोई सीट वगैरह है, लेट्स सी। इधर तो ये जंगला लगा हुआ है, ये भी कुछ है, मेंटेनेंस 1946-47 में हुई है, जो काम किया सर्वे ऑफ इंडिया 1946 में ये हुआ है।
और DFA जो लिखा है, DFA का मतलब है कि क्या है DFA का मतलब? ये जो वाइट लाइन के साइड वाला पैच है, ये तमाम का तमाम पैच रिपेयर्ड हुआ है और ये 1946 है। ये मतलब ये वो डिपार्टमेंट का नाम लिखा है जिसने ये एरिया रिपेयर करा है 1946 में, पाकिस्तान बनने से पहले। पाकिस्तान बनने से पहले जो है वो ये एरिया, क्योंकि इंडिया था उस ज़माने में ये सारा एरिया, तो इंडिया का नाम यहाँ पर लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है मामूर भाई, सही कह रहे हैं। अब ये फिल्म इंडस्ट्री भाई आ गए, कह रहे हैं इधर खड़े हो जाओ फिल्म इंडस्ट्री भाई, एक सेकेंड मुन्नी, जब तक आप किसी एक एक बंदे को पकड़े मैं ज़रा थोड़ा सा वीडियो बनाऊं। ये भी कुछ एरिया सही चश्मे इधर ऊपर होंगे इस वजह से पानी तो ऊपर होगा। ये क्या चीजें हैं? इसको वो चीज़ उधर मेडिटेशन से ले, उसमें चिल्ले काटते थे। अच्छा, मुख्तलिफ मन्नत और नजर मांगते थे, उनकी मन्नत पूरी होती थी, उसकी याद में जो है मेमोरी में ये स्तूप बनाते थे। सही सही सही। और ये चिपक है, इसमें बुद्ध का स्टैचू लगे हुए थे। ये इधर इधर बड़े वाले लगे होते होंगे, बड़े थे बाद में छोटे छोटे। अच्छा, लास्ट में 2007 पे हम आए थे, उस वक्त भी एक वो लगे हुए थे। सबसे मुकद्दस जगह है और उधर मेडिटेशन से भी अंडरग्राउंड बाज जगह जो है डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया, लोग इस पे चलते हैं, उनके मजे भी जगह है। अच्छा, सही सही सही, बंद कर दिया। तो अभी भी आते हैं उधर से कोई आते हैं? हाँ, बहुत आते हैं, कोरिया, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, मुख्तलिफ। अच्छा, से आते हैं। सही सही, तो कोई इबादत वगैरह करते हैं? हाँ, करते हैं, मेरे पास वीडियो भी है उनके जो। अच्छा, सही सही, हाँ उनके लिए तो मुकद्दस जगह है ना, ये बात है सही। इसमें जिस तरह हमारे लोग खाना कब्र से तवाफ करते हैं, उसी तरह उधर भी एक मेन जगह है जो उससे साथ तवाफ करते हैं। अच्छा अच्छा, सही सही सही, ये चीज जबरदस्त है, क्लासरूम है। अच्छा, ये तो आपने जबरदस्त हमें जी इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन अच्छी दी है। और ये 2000 साल पुराना है, फर्स्ट पंच बीसी में कोशान खान तो 2000 साल पुराना है। 2000 साल पुराना है, ये देखें जी 1929। ये देखो ना, ये ऐसा ही 1929 ये क्लासरूम था, यहाँ पढ़ते थे जी, ये कह रहे हैं स्विमिंग पूल था। अच्छा, हाँ ये स्विमिंग पूल था और ये वाटर टैंक, इधर से आप देख सकते हैं सेकंड फ्लोर का भी पता चलता है। अच्छा, उस जमाने में तो सेकंड फ्लोर होना बड़ी जबरदस्त से ऊपर था। हाँ, ये वेंटिलेशन के लिए ये सोरा। सही सही सही, सेकंड फ्लोर, अब सोचो उस जमाने में यार, बिल्कुल ये बात है। और आप देखो ना, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1980 में यूनेस्को ने वर्ल्ड लिस्ट में तख्त भाई शामिल किया। ये 4 किलोमीटर बहुत फैला हुआ है, तो इसमें सिर्फ ये कमरे किस चीज के बने हुए हैं? ये कमरे किस चीज के बने हुए हैं? क्लासेस हैं, काफी छोटी नहीं है उस जमाने में, एक मंक्स और 5 स्टूडेंट्स में पढ़ रहे। अच्छा अच्छा सही,
उस टाइम तो ये छते मते भी होती होंगी इसकी ना। और ऊपर क्या बना? ऊपर मून स्तूपा है। अच्छा, उसमें गौतम बुद्ध का डेड बॉडी राख जो है उसमें दफन है, और इसे अच्छा तो वो तो फिर उनकी वो मुकद्दस जगह होगी। बिल्कुल सही, हाँ कोई हो तो जरा देखने तो मजा आ जाए। ये स्पेशल इन्होंने हमारे लिए जो है ये एरिया खोल रहे हैं। वैसे यहाँ पे लोगों को नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर उनकी जो है, पापा थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। ये स्पेशल ये बड़े अच्छे भाई हमारे भाई मिले, इसको खोल रहे हैं ताकि हम ये इसको देख सकें। ये इनकी बड़ी मुतबर्रिक जगह है बुद्धिस्ट्स की। ये साइज 1929 में इसकी रेनोवेशन हुई है। और ये यहाँ पे क्या है? ये मुकद्दस है गौतम बुद्ध का डेड बॉडी राख जो है थोड़ा सा इसमें भी दफन है। अच्छा, ये सबसे मुकद्दस जगह इस साइड में, इस एरिया के अंदर सबसे मुकद्दस जगह है। और ये सिर्फ अभी बेस है, ये सेवन स्टेप्स में था हमारे साथ, मैप्स भी है, मैं वो भी दिखाऊंगा। अच्छा, और इसमें गौतम बुद्ध की पैरोकारों ने पहला सा स्तूपों में गौतम बुद्ध का ऐश जो है डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर अशोक है किंग था और हिंदुज़म से बुद्धिज़म में कन्वर्ट हो गया, तो उन्होंने गौतम बुद्ध का ऐश स्तूप से निकाल कर गंदहारा में 84,000 स्तूपों में डिस्ट्रीब्यूट ऊपर एंटी क्लॉकवाइज तवाब करते हैं, वो इधर से क्लॉकवाइज से मत में। अच्छा, सही सही, ये क्लॉकवाइज करते हैं तवाब। ठीक, बारी तरह में ये पहले इसी तरह था मैप्स हमारे साथ। ओह, दीज़ आर द मैप्स। अच्छा, एक सेकंड में इसका, ये अभी सिर्फ बेस रह गया। और ये सेवन स्टेप में डबल बेस और ड्रोन था, ड्रोन था। हमारे साथ अभी भी ये अम्ब्रेलाज मौजूद है उधर। अच्छा, जबरदस्त स्ट्रक्चर अभी भी मौजूद है। ये मैप है जी इधर के। और इसमें बुद्ध का तीन किस्म स्टेचेस लगे हुए थे, टीचिंग प्रीचिंग और मेडिटेशन स्टाइल में। इधर से हटा दिए वो। अंग्रेजों ने कलकत्ता म्यूजियम, लंदन म्यूजियम में ले गए। ले गए इधर से, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जबरदस्त जबरदस्त। ये भी स्पेशली वीडियो अंदर ही लगने लगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये जी बड़ा जबरदस्त है। ओहो हो, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बड़ा बेहतरीन बना हुआ जी। ये अंदर कमरे बने हुए, एक एक स्टूडेंट जो है मेडिटेशन के लिए 40 डेज अंदर बैठता था इसमें अकेले। इसके अंदर 40 डेज जी। इधर ये लोग आते हैं तवाब करते हैं अभी मैं इसके पास। हां 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 हां, श्रीलंका से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वो जो भी है दिक्कत पार्टनर भी बहुत आते हैं, ये कोरिया से है। सही सही सही, ये मॉन्क्स हैं। मॉन्क्स आए हुए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आते हैं बहुत आते हैं। माशाल्लाह बेहतरीन। ये ऊपर से भी नजर आ रहा है, जबरदस्त। ये खुली जगह है, ये अंदर का है। अच्छा, तो ये क्या मिट्टी के अंदर, पत्थर के अंदर दबे हुए हैं क्या? ये सब सेंसिटिव में जब अटैक हुआ उसी वजह से ज्यादा। अच्छा,
2000 साल पुराना मुख्तलिफ जलजले तूफानों की वजह से दब गया। सही की छत जो है गिर गई। हाँ ये है और ये भी मेरे ख्याल में काम लगा है ना, ये लोग जो पत्थर वगैरह बन रहा है ये बाहर से पानी आता है। सही इसमें तो थोड़ा सा काम हो रहा है। ठीक है जी, बेहतरीन दीवार बिल्कुल टेढ़ी हो गई है। ये भी है जी, यहाँ पे ये गोल इस तरह की चीजें ऊपर लगी हुई थी इनके। थोड़ा ऊपर भी जा रहे हैं, ये भी बनी है, ये जगहें भी बनी हैं, ये भी बनी है। पूरा आप ये समझे वाइड स्प्रेड है ये पूरे पहाड़ों पे, जो पहाड़ों की चोटियां हैं ये इस पे। यहाँ से हमारे मेन है और ये हॉस्टल से इधर से हम लोग आ रहे हैं। ये पूरा एरिया दिख रहा है, ये मंजूराबाद, मजदूराबाद। और वैसे तो ये तख्तबाई का ही वो शहर है ना जिधर से हम अभी मेन रोड से आए हैं। ये क्या कर रहे हैं? चुप चुप के चीजें खा रहे हैं। वो पापा को भी करेंगे। ये नीचे बैठे हैं पापा और इरफान भाई। हम मैं और कमरान भाई ऊपर आ गए। ये भी ऊपर है भाई, मैं नीचे ढूंढ रहा हूँ, मैं बोलूँ किधर है। ये जो है इनके एरियाज बने हुए हैं। वहाँ से फोकस करो जी। ये भी इनके वही बनी हुई है सेम एरियाज। कमरान भाई और ऊपर लेके आ गए और यहाँ से ये गौतम बुद्ध आप वो देख रहे हैं ना, ये सारा हमने विजिट किया था। वहाँ से चले थे, वहाँ जाके फिर ऊपर आए थे। उस वक्त यहाँ पे काम हो रहा था। अच्छा अच्छा 2019-20 में। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लास्ट टाइम 2019 में आए हैं? नहीं नहीं, बहुत दफा आया हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन वहीं से वापस हो जाता है, मेहमान आगे जाते नहीं है तो आपको हम यहाँ लेकर दोस्त थे उनको तो मैं वहाँ तक लेकर गया था। अच्छा अच्छा, ऊपर से स्टार्ट लिया था हमने सही वहाँ तक, और उस दिन बारिश बड़ी जबरदस्त थी। अच्छा, जो ठंड थी ना वो आप सोच तो, लेकिन जगह है बड़ी जबरदस्त, जगह अच्छी है बिल्कुल। जगह बिल्कुल अच्छी है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, बड़े पुराने पुराने, हमें अंदर से इन्होंने दिखाए हैं, उनके पूरे कमरे दिखाए हैं जहाँ वो मेडिटेशन करते थे 40-40 मिनट बैठ के। स्पेशल एरिया हमारे लिए खोला था जिसको चिल्ला काटना कहते हैं, 40-40 दिन भी गुजारते थे इसमें। अपने मतलब और पावर ज्यादा करने के लिए। अच्छा, पावर ज्यादा हो जाती थी इनकी, मतलब रूहानियत उस तरह जब बनना चाहते हैं। हिंदुइज्म में नहीं होता। बाल जी ओवरऑल नाइस है, अब करेंगे यहाँ से वापसी। बहुत देख लिया, बहुत अच्छा मेंटेन रखा हुआ है, सही है। 2007 में अक्टूबर 2007 यहाँ पे ना बंदा होता था ना बंदी की जात। हो वो दौर था इसको डिस्कवर करने का। जहाँ मर्जी आप जो मर्जी करते हो। ये है जी अच्छा पॉइंट। क्यों जवाद भाई, जवाद भाई को तो भूख लग गई है, बिस्किट खा रहे हैं। अच्छा पॉइंट है जी, बेहतरीन। ये टॉप है इसका, इससे ऊपर भी बनाया हुआ है। इससे ऊपर और पहाड़ होता तो गौतम बुद्ध उधर भी बना देते, मतलब जहाँ जहाँ जा सकते थे उन्होंने बनाया है अपना।
ये वो जगह थी जो उसने ताला खोला। बिल्कुल, ये आप देखें, ये हम तखबाई की साइड पर आए, ठीक है जी। यहाँ पर ये पार्किंग है, पार्किंग के इधर आपको कुछ भी, कोई कैंटीन, कोई होटल, कोई रिफ्रेशमेंट, ऐसे टक शॉप कुछ भी आपको नहीं नज़र आएगी। बाकी आप ये देखें, ये ओल्ड वॉशरूम बने हुए हैं, ये भी बंद है, बंद पड़े हैं। अच्छा, ये फाइबर के ये नए वॉशरूम लग रहे हैं, मेल फीमेल ये भी बंद करे हुए, और इनको ताले लगे हुए हैं, जरा आप जूम करके दिखाओ, ताले लगे हुए हैं इनको। ये सब मिनिस्टर्स के लिए खुलते हैं जैसे ऐसा जी, ये मिनिस्टर्स के लिए ही खुलते होंगे, सही कह रहे हो आप, ताले लगे हुए हैं। तो सही बात, इतनी पब्लिक आ रही है लोगों के, एटलीस्ट आप वॉशरूम जो आपने बनाए हुए हैं पहले से उनको तो आप खोले ना, उसको तो आप ऑपरेशनल रखो, फिर यहाँ पर आप कोई ऐसे टक शॉप भले किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दो, तो कुछ पब्लिक के लिए होनी चाहिए, कोई चाय शाय कोई चीज मिले। सही बात है, तो यहाँ तो आसान काम है, नेस्कैफे की मशीन रखनी है, वो रखे हैं, कुछ कुछ भी ऐसे भले प्राइवेट दे दें या नॉर्मल दे दें, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे कुछ हो तो सही, लेकिन वो है ही नहीं। क्यों तैमूर भाई ऐसा ही है? तैमूर भाई ने ईयरबड्स लगाए हुए हैं, और ये जवाद भाई।